हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? सब लोग मजे में हो गए? तो आज हम कुछ और नया करने वाले। तो जो पिक्चर आप देख रहे हो, गलत मत समझना, ये मेरा सेटअप नहीं है। इतना अच्छा तो नहीं हो सकता क्योंकि ये दिस इज वेल ऑर्गेनाइज। लेकिन ये तो इमेज मैंने ऐसे ही रखी थी, लेकिन इससे भी कुछ बहुत बढ़िया दिखाने वाला हूँ भाई। जब मैं यूट्यूब ऐसे कर रहा था तो एक वीडियो मैंने देखा, आधा देखा, मैंने सोचा डेफिनेटली वी हैव टू मेक सम वीडियोज ऑन इट एंड लेट्स शो यू एज वेल, है ना। जैसे मेरी हार्ट बीट कुछ रुक सी गई थी, ऐसे मैंने सोचा मैं अकेला क्यों ये झेलूँ, आप सब भी झेलो। तो गाइज, ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये पूरा किसी एक बंदे का सेटअप टूर है जो मैं दिखाने जाने वाला हूँ। दिस इज द वर्ल्ड बेस्ट सेटअप फॉर द गेमिंग रूम, वर्ल्ड बेस्ट सेटअप फॉर द गेमिंग रूम। अगर इससे बढ़िया कुछ आप मिलता है तो जरूर कमेंट में लिखिएगा, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो गाइज, ये बंदा बेसिकली, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ, ये बंदा जो है ही इज़ फ्रॉम आई थिंक सो एमिरेट साइड, कहीं से होगा, दुबई साइड से, ठीक है। एंड डेफिनेटली मल्टी मिलियनर, तो सोच लो क्या कुछ किया होगा। सोने चांदी की चीज़ें नहीं है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया है ना भाई, गजब किया हुआ है। और मैं टेक बर्नर को बोलूँगा जरूर से वीडियो देखे इसके ऊपर और एक रिएक्शन वीडियो बनाए भाई। मैं आपकी वीडियो बहुत देखता रहता हूँ। और गाइज, ये पूरा सब कुछ हिला देने वाला है, देखना, है ना। तो बने रहिए वीडियो पे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैनल का नाम है बोफला, 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स, ठीक है। तो उसके पेज पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, जाके जरूर से देखिएगा, ठीक है। आई एम गोना पुट द लिंक ऑन हिज चैनल ऑन माय डिस्क्रिप्शन एज वेल, सो प्लीज डू चेक इट आउट। एंड गजब है सर जी, गजब है, ठीक है। और 3.31 बिलियन व्यूज, 56.3 मिलियन व्यूज इन फाइव वीडियो, ऑन फाइव वीडियोस इन 30 डेज। भाई क्या क्या ही करामत कर दी। सबसे ज्यादा उसको व्यूज आए उसके सेटअप टूर पे, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है आपको वर्ल्ड बेस्ट सेटअप, कहाँ गया, नीचे है अबो फ्लैश, ठीक है। चैनल का नाम याद रखिएगा, भूलिएगा मत। तो ये वाला वीडियो है जो वर्ल्ड बेस्ट सेटअप, ठीक है। मुझे लगता नहीं है कोई इससे भी कुछ बड़ा होगा, इससे भी कुछ बड़ा हो सकता है कहीं पे, ठीक है। तो बंदे ये आ चुके हैं उनके, ठीक है, वीडियो पे, और सारे के सारे पचक के रहने वाले, ठीक है। जब ये इज एंटरिंग फर्स्ट टाइम, ये देखो भाई, ये देखा क्या हुआ भाई, फिंगर प्रिंट स्कैनर एंड ऑटो लच डोर। ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा कहीं पे लाइक एक स्पेस शिप जैसी फीलिंग है, जिसके अंदर घुस घुसने का लाइक ऐसा एंट्री डोर है ना, हॉलीवुड मूवी में नहीं होता, साईफाई मूवी में पूरा का पूरा वैसा बनाया है भाई, पूरा का पूरा। और लाइटिंग तो देखो उसकी, लाइक आरजीबी कोऑर्डिनेशन देखो भाई, गजब है, गजब। तो ये वाला उसका रूम था जिसके अंदर उन्होंने पूरा सेटअप पूरा डिजाइन किया है, जो भी आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया है भाई, क्या ही बोलूं मैं, क्या ही बोलूं, गजब किया हुआ है, ठीक है। सबटाइटल बंद करते हैं तो वीडियो को अच्छी तरह से देख पाएंगे हम, ठीक है। सबके रिएक्शन की वाट लगने वाली है। मैं बोलूं ना भाई, ये गजब है, ये सारे लोग एंटर हो रहे हैं, ठीक है, और रूम के अंदर। लेकिन चलो हम पहुंचते हैं डायरेक्टली सीधा, लाइक वो स्टार्टिंग होता है ना वहां पे पहुंचते हैं, वो शायद 10 के आसपास का कुछ है। ये सारा पूरा उसका लाइक देख लेना आप उसके वीडियो में, इसमें उसने बताया हुआ है कहाँ से शुरू किया, क्या जर्नी है, क्या नहीं, कहाँ पे रहते हैं, क्या हाउस है, क्या है, क्या डेफिनेटली लगता है हाउस के हिसाब से ही इज डेफिनेटली मल्टी मिलियनेयर, ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, लुक एट दिस, दैट्स हाउ इट इज। सो लोगो देखो यार, गजब बनाया हुआ है लोगो, द फर्स्ट इम्प्रेशन इज वेरी नाइस एट द लोगो। एंड ये देखो भाई क्या है, ये क्या कर दिया है भाई, देखा आपने, पूरा इसका कलेक्शन, डायमंड बटन, दो सिल्वर बटन है, क्या कुछ नहीं है भाई इसके पास, थ्री मॉनिटर सेटअप। और लोगो देखो यार, गजब लोगो है, ठीक है, बहुत ही खतरनाक लोगो है। और आगे चल के देखते हैं, बेहतरीन, एकदम से बेहतरीन। इधर इधर रुकना पड़ेगा हमें, मुझे ऐसा लग रहा है, इधर वी हैव टू स्टॉप इट हियर, लुक एट दिस, दिस इज द व्यू व्हेन यू एंटर इनटू योर रूम भाई,
सब चीजें देखो एकदम समतल है, लाइक डिजाइन कोऑर्डिनेशन सारा का सारा सिमेट्रिकल है एकदम, लाइक यू नो कुछ ऐसा नहीं बोल सकते कि यार ये इधर से गया इधर से गया। लाइटिंग्स देखो सारे की सारी आरजीबी, जो पैनल है वो पूरी लाइक एडिटेड लाइक यू नो एनिमेटेड पैनल है, ये सारे के सारे स्क्रीन वगैरह जो भी देख रहे हो पीछे बैकग्राउंड में लेफ्ट में और राइट में जो भी देख रहे हो ये सब एनिमेटेड पैनल है, और पूरा का पूरा डिटेल्स ग्राफ वगैरह भी उसके सेटअप के देते रहते हैं। और इधर से देखो तो सही क्या बना है भाई, क्या साउंड सिस्टम क्या है क्या कुछ, यार पूरी दूसरी लैंग्वेज में था तो पता नहीं चल पाया कि क्या बोलना चाह रहे, लेकिन डिटेल देखो यार पूरा का पूरा देखो वो रस्ट वगैरह जैसे लाइक यू नो ब्लास्ट वॉय शिप में ये लास्ट वॉय इसके पूरी कलेक्शन पैनल जहाँ पे उन्होंने पूरा डायमंड बटन और ये दिया हुआ, ये कुछ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एलेक्सा लग रहा है मुझे ये सेटअप, डेफिनेटली आरजीबी का एलेक्सा लग रहा है, लेकिन चलते वहाँ पे वापस चलते वो शायद रेकॉर्ड उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला हुआ है ऐसा लग रहा है, कुछ सही से क्लियर नहीं दिख रही है पिक्चर, लेकिन डेफिनेटली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कहीं पे नाम है ये, मुझे लग रहा है ये सेटअप के लिए नाम होगा। तो दो दो गिनीज रिकॉर्ड होल्ड कर रहा है ये बंदा, क्यों कैसे पता नहीं है, लेकिन ये हो रहा है, ये मुझे लग रहा है पूरी पैनल जो कंट्रोल हो रही है उससे हो रही होगी, और ये देखो वो पूरा का पूरा एनिमेटेड पैनल है ये, हाँ ये वाला पूरा का पूरा मुझे लग रहा है कि कंट्रोल उससे हो रहा होगा जो ये साइड में पैनल वगैरह है, देखो तो सही एनिमेटेड और पूरे ग्राफ वगैरह पीसी का पूरा स्टेटस वगैरह मुझे लग रहा है कि इधर आता होगा भाई। ये भी देखो फिंगर्स पूरा हैंड प्रिंट स्कैन कहीं पे वो कुछ ना कुछ तो वहाँ पे होता होगा, डेफिनेटली होता होगा कुछ ना कुछ। और फ्लोर देखो लाइक ऐसे चलते हैं लाइक यू नो शिप में नहीं जाते आप, हॉलीवुड मूवी में जो डिजाइन करते हैं ना शिप जैसे जाते हो फिर एक लेवल अप होता है और रेज होता है लेवल, वहाँ पे जाके आप वैसे बैठते हो चेयर में, चलो बताओ भाई आज का काम कहाँ पे। डिटेलिंग तो देखो उसकी भाई गजब डिटेलिंग है, लाइक पूरी की पूरी डिटेलिंग देखो सॉलिड डिटेलिंग किया हुआ है उसने, दो लाइक मोनिटर अच्छा पिरामिड सेटअप है, दो ड्यूअल मोनिटर लाइक यू नो द गेमिंग सेटअप है डेफिनेट ड्यूअल पीसी सॉरी, और वो तो रहेगा ही रहेगा भाई, और डेफिनेटली लगेगा टॉप ऑफ द रेंज ही होगा सब कुछ इसके अंदर, कुछ सोच नहीं सकते। सारे केबलिंग का भी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है लगता है, पीछे जो पैनल है उसके पीछे सारा कुछ जाता होगा, और लाइन देखो लाइक वो आरजीबी की लाइन वगैरह देखो कैसे जा रही है, कहीं पे भी कोई भी केबल बाहर नहीं होगा, सब कुछ मुझे लग रहा है पीछे छुपा होगा। लोगो भी काफ़ी अच्छा बढ़िया सा बनाया हुआ है। अच्छा ये आ गया स्पेक्स देख लो, प्रोसेसर ओके i9 12900K भाई, ग्राफिक्स का RTX 3090, अच्छा रैम 64 GB, ये एक वाला पीसी का स्पेक्स है, और पीसी भी काफ़ी बेहतरीन लग रहा है भाई, पिरामिड में काफ़ी बेहतरीन लग रहा है पूरा एकदम से सही लग रहा है लाइक। अच्छा ये भी सेम पीसी है, तो सेम पीसी है साइड बाय साइड, और सब कुछ उन्होंने रखा हुआ है पूरे डिस्प्ले वॉल अपनी जो भी ट्रॉफी वगैरह है वो उधर डाली हुई है। ये वाला रूम है मुझे यहां से एंटर होंगे, ये जो दिख रहा है ना वहां से सारे लोग एंटर होंगे ऐसा लग रहा है, तो देखते आगे क्या होता है, लेकिन भाई इधर रुकना पड़ेगा 2 मिनट के लिए, थोड़ी सी सांस ले ले भाई और थोड़ा पानी वानी पी ले भाई, रुक जाओ 1 सेकंड दे दो भाई, मैं सच में हिल गया हूँ भाई, सच में हिल गया हूँ। टैग बर्नर प्लीज मेक सम वीडियोस ऑन इट, ठीक है मेक सम वीडियोस ऑन इट टैग बर्नर भाई, क्या है दे आर एंटरिंग फर्स्ट टाइम इन टू इट, ओ माई गुडनेस भाई, देख उसका रिएक्शन तो देख भाई, गजब रिएक्शन है उसका, रिएक्शन एकदम से खतरनाक है भाई, क्या बोले भाई गजब रिएक्शन है उसका। मैंने उसकी वीडियो लाइक साउंड म्यूट कर दी है, शायद कॉपीराइट आ सकता है ऐसा कुछ हो तो उसकी वजह से, लेकिन आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैं ऐसे वीडियो फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ गाइस, तो आपको उनकी साउंड नहीं आएगी, लेकिन आप उनकी चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है जाके देखिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ये चैनल को गाइस, और ऐसे मज़ेदार वीडियो बनाते रहेंगे, आप कमेंट में लिखिएगा कोई भी सेटअप टूर आपको लगे कि भाई इसका भी कोई वीडियो बनाओ तो हम डेफिनेटली बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखो भाई बहुत चक्कर रह गया वो खुद ही, ये बनता है वो जो है उसके सारे सिल्वर प्ले बटन सब कुछ, और ये उसके मुझे लगता है पूरा क्रू लग रहा है एडिटिंग गेमिंग पूरा ग्रुप सारे मजे मार रहे हैं भाई, ऐसे रूम में मैं एक बार घुसूँ बाहर ही ना निकलूँ, मैं तो महीनों तक बाहर ना निकलूँ गाइस, महीनों तक बाहर ना निकलूँ, ठीक है ना।
ये क्या है कुछ और, ओए रुको भाई सांस लेने दो भाई, और भी कुछ है, ये अकेला इतना सा नहीं है भाई, अंदर और भी कुछ है वो भाई, और ओए भाई रुको अभी ब्रेक लेना पड़ेगा भाई, खत्म हो गए भाई, डेफिनेटली एक ब्रेक लेना पड़ेगा भाई। क्या क्या कर दिया इसने भाई, एक और कमांड सेंटर लाइक वो जो वाला मेन पीसी वाला जो कमांड था लाइक वहां पे जाके वो बंदा खेलता है गेम, मुझे लग रहा है ये टीम के लिए। अच्छा डेफिनेटली एडिटिंग टीम, पूरा स्क्रीन तो देखो पूरा का पूरा लाइक सामने भी जो ब्लैक है वो पूरा स्क्रीन है लाइक एक ही स्क्रीन, लेकिन उसको बनाया कैसे होगा ऐसे एंगल में, कहीं से कुछ गैप वैप कुछ नहीं दिख रहा है, स्ट्रीमिंग सेटअप एडिटिंग सेटअप पूरा डिस्प्ले भाई, और टेबल पे देखो, टेबल पे तो देखो लाइट है लाइक जैसे, अरे यार टेबल क्या बनाया हुआ है, ऑब्वियसली यार बेस्ट ऑफ द लाइन यूज करेंगे सारे इक्विपमेंट। उन्होंने वीडियो में कुछ ज़्यादा क्या चीज़ें यूज की उसके बारे में नहीं किया, लेकिन जो टेक वगैरह किया हुआ है वो बहुत है भाई, पागल हो गया ये बंदा, मुझे लगता है इसने पूरा डिजाइन किया होगा ये बंदे ने, ही इज द आर्किटेक्चर और समथिंग, सब लोग उसको उठा रहे और शायद उसी ने बनाया होगा, पागल हो गए, देख तो लो भाई क्या करे वो बैठ के, मैं ऐसी जगह पे गेमिंग करूँ तो बाहर ही ना हूँ भाई, बाहर सच में बाहर ना हूँ। मुझे ये बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वाला टूर, पूरा वीडियो देख रहे हैं तो उसकी चैनल पे जाके देख सकते हो डेफिनेटली, मैं इसके अंदर पूरा वीडियो नहीं दिखाऊंगा, काफ़ी उनका भी वीडियो काफ़ी लंबा है, 15 मिनट के आसपास का वीडियो है, तो पूरा लाइक उन्होंने बताया हुआ है कहाँ से शुरू किया क्या नहीं, तो हम मेन पॉइंट्स कवर कर रहे हैं देख रहे हैं, लेकिन जो टैक यूज़ किया है ना लाइटिंग देखो यार पूरा का पूरा मैनेज करो उसको कैसे, मुझे लगता है वही कमांड सेंटर से एक ही बात से मैनेज होता होगा, और ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा सेटअप स्टार वॉर्स, जब भाई स्टार वॉर्स का कलेक्टर ये तो पेंटेड डोर था, ओह नहीं भाई रुको ओ भाई हैंड प्रिंट, अभी और भी है भाई, ये वीडियो इधर ही खत्म होने के जा रही है, इसके आगे कुछ नहीं है वीडियो में, और भी है, ये कुछ हो गया, गजब हो गया भाई, गजब हो गया, इसके अंदर और भी कुछ होगा, फिर से करते देखो गाइस, ओ भाई साहब इन पे प्रिंट किया और अनदर डोर ओपन हुआ, सोचो इसके अंदर क्या होगा भाई, ये वीडियो उन्होंने यहीं तक ही बनाई है गाइस, और वी हैव नो आइडिया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए गाइस, और डेफिनेटली देखिएगा भाई ये जो भी है लाइक गजब बनाया हुआ है पूरा का पूरा, फिर से देख लो एक व्यूज़ और कैसा लग रहा है, तो आप टाइमलाइन पे जाके देख सकते हो वहाँ पे उनकी वीडियो पे, भाई मुझे लग रहा है कि वो डोर के अंदर और भी कुछ होगा, नया वीडियो आएगा डेफिनेटली, जैसे आएगा तो हमें पता चलेगा, तो हम डेफिनेटली उसके ऊपर भी वो पार्ट टू बनाएंगे, ये पार्ट वन रखेंगे अगर होगा तो, और एलिवेशन देखो यार पूरा एक फ्लोर उसके ऊपर भी अनदर फ्लोर, और वहाँ पे जाके भाई टेक बनर एक बार इस वीडियो पे जाके जरूर से बताना कुछ लाइक अपनी टेक नॉलेज हमारे साथ भी शेयर कर लेना भाई, बंदे पागल हो चुके हैं देखते हुए, ये जो से पुराना वीडियो देखो कहाँ कैसे सेटअप पे वो बंदा काम कर रहा था और कैसा बैकग्राउंड वगैरह था, ये पूरा टाइमलाइन वगैरह है उसका, तो गजब है भाई, और क्या बोलूँ मैं, सब कुछ सेम टू सेम लाइक उसका डेस्क वेस्क तो देखो कितना बड़ा है भाई, गेम ओवर, जैसे ही वो रखा हुआ है ना वैसे ही सबकी गेम ओवर हो गई गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। तो भाई लोग अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये पूरे सेटअप की क्या कॉस्टिंग हुई होगी, ठीक है, तो हम देखना चाहते हैं हम क्या सोचते हैं और कितनी कॉस्टिंग होगी, अगर मुझे कहीं से जानकारी मिली तो मैं डेफिनेटली इसको कमेंट में डालूंगा, पिन कमेंट कर दूंगा तो पता मिलेगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है अभी तक, हाल फिलहाल मैंने जस्ट वीडियो देखा आज सुबह और मैंने सोचा कि लेट्स मेक समथिंग डिफरेंट हियर, बिकॉज़ दिस इज आउट ऑफ वर्ल्ड गाइस, दिस इज आउट ऑफ वर्ल्ड, सो थैंक यू वेरी मच, लव यू अगेन गाइस, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन गाइस, थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट दैट।